हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर चौधरी व्लॉग्स। कैसे हो मेरे प्यारे बिनो भाइयों? तो गाइस, यहीं से ही मैंने अपना पहला व्लॉग एंड करा था और यहीं से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना आपको बिना देखे बिना बगैर, मतलब कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए जो कि मैं आपको ना दिखा पाऊँ। तो अभी मैंने आपको पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, ये व्यूज़ दिखाए थे मैंने, और ऊपर देखिए एकदम मौसम एकदम साफ है, एकदम मस्त। ये रोड है और क्रिकेट स्टेडियम पर जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर हमें ट्रैक करना पड़ा। गाड़ी आती 3 या 3.5 किलोमीटर पड़ जाता है ट्रैक, और मतलब आधे में गाड़ी आ जाती। ये हमने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। तो इस अगर आपने पहले वाला व्लॉग नहीं देखा, चैल वाला, तो जाके ज़रूर चेकआउट करिए। और ऊपर स्टेडियम है, स्टेडियम मैंने आपको दिखाया पहले व्लॉग में, जल्दी जाके लाइक बटन दबाइए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स भर दो। तो अब हम नीचे अभी ट्रैक करके नीचे जा रहे हैं। मम्मी पापा बुआ भैया वो सब वहाँ आगे जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, क्यों यार एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो अब चलो चलते हैं, कुफरी की साइड से जाएंगे, हम आपको कुफरी भी दिखाएंगे। ये देखो भाई कितनी उतराई है, मतलब वो दिख रही है गाड़ी, वहाँ जाना है, इतनी उतराई है। चलिए बाबा जी के दर्शन करके चलते हैं अभी। से अभी कुफरी 14 किलोमीटर रह गया है और देखिए अंधेरा हो चुका है, 5:30 बज के टाइम हो गया है। और ये हमारे पहाड़ों के राजा हैं, हमारे डैडी, कहावत है ना वही, दिन की रानी रात का राजा, मिलना है तो गोलचक्का राजा, तो वही है। तो पापा अच्छी स्पीड पे चला रहे हैं पहाड़ों पे देख देख के, तो क्योंकि रोड भी अच्छी बनी हुई है, ज़्यादा टूटी फूटी नहीं है, और थोड़ी सी मतलब छोटी है यार, सामने से कोई गाड़ी आती है ना तो एकदम ब्रेक मारने पड़ते हैं। गाइस ये पहुंच गए हैं कुफरी की मार्केट, हम इधर से आए हैं चायल से, और ये देखो कुफरी की मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है। और कल जाएंगे हम शिमला संजौली माल रोड, यहाँ लकड़ी के सामान, घड़ी वगैरह सब लकड़ी का है यहाँ पे। ठंड तो भाई बहुत हो रही है, ये देखो 5-6 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 4 मिनट है, बाकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें बंद ही हो गई होंगी अब तो, क्योंकि हॉर्स वगैरह सब वापस जा रहे थे, और बस ये मार्केट खुली हुई है थोड़ी बहुत आगे तक, और देखेंगे अभी आगे क्या है। हॉर्स राइडिंग तो अपनी बंद हो गई है, रात को तो कुछ दिखेगा नहीं, और अभी गाड़ी वो खड़ी हमारी, और भाई जू वगैरह बंद हो गया होगा। और ये देखिए ये वो जा रहे हॉर्स वापस, कहाँ जाएंगे कहाँ से, देखो ये रहे यार, ये देखो ये बढ़िया लग रहा है। कितना बढ़िया लग रहा है ना बुर्ज खलीफा, बाइक वगैरह है। वैसी ठंड हो रही है, ये ऐसे ऐसे खुल जाता है, ये ऐसे होता है यार, ठंड लग रही है बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। 3 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है मैं फ़ोन में, बाकी तो कह नहीं सकते कितना सच है कितना झूठ है, पर ठंड बहुत लग रही है भाई। जैकेट में घर चलते हैं, बस जाम लग गया बहुत तकड़ा। वो देखो वहाँ तक दिख रहा है आपको, सामने लाइट दिख रही है आपको, वहाँ तक पूरा जाम लग गया। ये खड़ी अपनी गाड़ी, पता नहीं किस चीज़ का वेट बहुत हो रही है यार यहाँ पे ना, जाम लग गया बहुत तगड़ा।
को देख के थी और क्या कहते हैं इतनी पास तो थी। क्या हुआ? चलो सॉरी। चलो कुछ नहीं भाई, आपका तो कुछ नहीं हुआ, आपका तो हुआ तो क्या बच्चा। ये लगी है थोड़ी सी, हुआ क्या? अरे मैं क्या कहते हैं न्यूट्रल कर रखी थी ना, वो क्लच दब गया, ब्रेक लगी नहीं रही, हुआ क्या है जरा पाँव फंस गया ब्रेक। अच्छा पाँव क्लच में लग गया ना पाँव, वो ब्रेक दबी नहीं, क्लच में पाँव फंस गया, वो हुआ है। बच गए, हुआ नहीं। चलिए तो थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। इसमें तो नहीं लगी सर, इसमें ये। हाँ हाँ, कोई इसने इसने बचा लिया बस। हमारे पीछे इन भाई ने गाड़ी ठोक दी हमारी, पर हमारा नुकसान नहीं हुआ। हमारा ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, पर भाई की लग गई। अब देख रहा भाई ढंग से कहाँ लगी कहाँ नहीं लगी, क्या तो नहीं, थोड़ी बहुत स्क्रैच लगी है। वो हमारा जो लेग गार्ड लगा हुआ है ना, उसने बचा लिया थोड़ा सा बस, नहीं तो पता नहीं यार कितना नुकसान होता, भारी भरकम मोटा नुकसान होता। हम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैं तो घर आ गया था, और पापा अभी गाड़ी वगैरह लगा कर आ रहे हैं, और ठंड हो रही है, -1 टेम्परेचर हो रहा है, मुंह में से भी धुआं निकल रहा है। और तो गाइस इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, होपफुली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। कल हम जाएंगे, कल की कल बताएंगे। चलो मिलता हूँ, बाय, टेक केयर।